शामली यूपी का एक ज़िला। गुरुवार 9 सितंबर को यहां एक मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 8-10 लड़कों ने मामूली विवाद में उनके बेटे की जान ले ली। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की तलाश कर रही है। शामली ज़िले के बनत कस्बे में बस स्टैंड है जहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड पर समीर नाम के एक युवक का हाथ एक अन्य युवक से टकरा गया। इसी को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने समीर को घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। समीर जब बेहोश हो गया तब आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक समीर की उम्र 24 साल थी और वो टाटा मोटर्स में काम करता था। वो काम से लौटकर घर पहुंचा था और वहां से कुछ सामान लेने बस स्टैंड गया था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने शक का पोस्टमार्टम कराकर उसे वापस परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने समीर का अंतिम संस्कार कर दिया है।